अपने YouTube चैनल मैथ विजन पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इसके पहले मैंने सिंप्लीफिकेशन की दो वीडियोस अपलोड कर दिए हैं YouTube के लिए, जो आपको बेनिफिट देगी यूपी टेट में, सी टेट में, यूपीएसआई में, ठीक है। और दोस्तों, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो इतना इजी वे में पढ़ा रहा हूँ जिससे आप कोई भी क्वेश्चन 5 से 10 सेकेंड में कर लें। और देखिए, यूपी टेट का और सी टेट का मैथ का लेवल बहुत लो होता है, ठीक है। मैं उससे उस लेवल का भी पढ़ाऊंगा और उससे एक लेवल हाई करके भी पढ़ाऊंगा। इसलिए पढ़ाऊंगा क्योंकि हमें तो नहीं मालूम है कि पेपर में क्या आने वाला है, हमें तो बस सिलेबस मालूम है। हमें तो ये नहीं मालूम कि किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, उसका टफ आएगा कि ईजी आएगा, ये हमें नहीं मालूम। बट इसलिए एक लेवल आगे करके हम लोग पढ़ेंगे कि हमें कोई दिक्कत नहीं होगा, अपना लेवल भी पढ़ेंगे और उससे एक लेवल आगे भी करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने जब आपको स्क्वायर का वीडियो पढ़ाया था, स्क्वायर पे मैंने कुल 4 वीडियो बनाए हैं। तो उसमें मैंने बताया था कि जब नंबर रिपीट करता है तो उसका हम लोग कैसे स्क्वायर निकालते हैं, चाहे वो वन नंबर रिपीट हो रहा है, मतलब 1 1 का स्क्वायर हो गया, 1 1 1 का स्क्वायर हो गया, 3 3 3 का स्क्वायर हो गया, 6 6 6 का स्क्वायर हो गया, 9 9 9 का स्क्वायर हो गया। तो उस समय मैंने बताया था कि इन सब का आगे मैं इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा। वो आज टाइम आ गया कि उसका इम्प्लीमेंट किया जाए। तो चलिए देखिए दोस्तों, पहले तो आप जान लीजिए ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन है। ये क्या है? हमारा मिक्स फ्रैक्शन है, ठीक है दोस्तों। अब मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? अगर मैंने लिखा है ऐसे, मैंने लिखा है मिक्स फ्रैक्शन को, तो हम लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं, ए प्लस बी अपॉन सी, ठीक है। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, तो इसको भी हम लोग प्लस करके ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जब हम प्लस करके लिखेंगे तो ये मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, नहीं तो मैं डायरेक्ट आंसर कर देता है, मैं आपको भी करवाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए, हमें आपको करवा के दिखाता हूँ, ठीक है। पहले आपको समझा रहा हूँ, ये मैं मिक्स फ्रैक्शन को ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये मल्टीप्लाई है तो दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट होगा कि नहीं होगा? तो दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगा, हमारा इसका स्क्वायर हो जाएगा और ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये मेरा क्या बचा? 995 बचा। तो दोस्तों, मैंने जब ये मेरा नंबर रिपीट हो रहा है ना, मतलब कोई भी एक नंबर सेम अंदर रिपीट होता है, तो उसका मैंने स्क्वायर निकालना आपको सिखाया था। तो पहले मेरे स्क्वायर वाले वीडियो को जाकर आप देखिएगा, ठीक है। तो चलिए मैं बता देता हूँ कैसे करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर 3 डिजिट रहेगा तो मेरे पूरा स्क्वायर में 6 डिजिट आएगा। अगर मेरे यहाँ पे 3 डिजिट है तो मेरे स्क्वायर में कितना डिजिट आ गया? 6 डिजिट आ गया। अगर यहाँ पे 4 डिजिट रहता है तो मेरा स्क्वायर में कितना डिजिट आता है? 8 डिजिट आता है, मतलब जितना रहेगा उसका डबल हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे मेरा 6 डिजिट आने वाला है। तो जो नंबर रिपीट कर रहा है उसका स्क्वायर कर देते हैं, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 9 रिपीट कर रहा है ना, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81 होता है। तो 81 ऐसे हम लोग थोड़े दूर पे लिखेंगे, ठीक है। 81 हम लोग क्या करेंगे? थोड़े दूर पे लिखेंगे। अब मैंने बोला कि पूरा 6 डिजिट होना चाहिए, तो हमें 2 डिजिट मिल गया, मतलब कि 2 डिजिट मेरा और यहाँ बचेगा, 2 डिजिट और यहाँ आएगा, ठीक है। देख लीजिए, 3 इधर और 3 इधर, 6 डिजिट हो जाएगा। अब देखिए, ये जितना ये लास्ट मेरा यूनिट डिजिट लिखा रहा था उससे एक माइनस करके आगे लिखते हैं। यहाँ 1 है तो एक माइनस किए 0, इसी 1 में से एक माइनस किए तो फिर 0, और यहाँ पर जो हमारा दोस्तों आता है उसमें 1 ऐड करके आगे लिखते हैं। तो 8 में 1 ऐड करेंगे तो 9 आएगा, और 8 में 1 ऐड करेंगे तो 9 आ गया, ठीक है। अब प्लस ये मेरा 995, तो ये हमारा दोस्तों, ये 1 यहाँ पर, ये 995 996 हो जाएगा, मतलब 998 996 जिस हमारा ऑप्शन हो गया वही सही होगा, 998 996। देखिए ये दोस्तों, अगर आप मेरा स्क्वायर वाला वो वीडियो देखे रहते तो आज आपको दिक्कत नहीं होती, आप तुरंत ये आंसर मार्क कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए, वो वीडियो आप देख लीजिएगा तो और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ गया, क्योंकि मैंने बोला है कि मैं जो भी पढ़ाऊंगा वो मेरा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही रहेगा, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं रहेगा, ठीक है। देखिए फिर यहाँ पे मेरे मिक्स फ्रैक्शन, आप पहले ही इसको मान लीजिए, तो इससे आपको क्या पता चला? ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब फिर इसका स्क्वायर इससे होगा, तो इसका स्क्वायर इससे होगा, तो हमारा डायरेक्ट क्या हो जाएगा? 998 001। अभी मैंने यहाँ निकालना सिखा दिया, ठीक है। और ये 998 और इसमें जुड़ जाएगा, तो 998, तो ये 98 और 1 99, तो ये देखिए 998 और 999, ये मेरा पहला आंसर सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, देखिए ये मात्र 5 सेकेंड में हुआ है। अगर आपको ये ट्रिक मालूम रहता तभी आप 5 सेकेंड में करते, नहीं तो पेपर में आप इस तरह करके वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा, कभी नहीं होगा 5 सेकेंड में, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे हम लोग अपने क्वेश्चन को करते हैं। दोस्तों ये मेरा 13वां क्वेश्चन है, मतलब ये तीसरा वीडियो मैं बना रहा हूँ तो ये 13वें नंबर पर ये मेरा एक क्वेश्चन आ रहा है। तो दोस्तों, अब ये वाला वीडियो आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ,
ठीक है, क्योंकि अब ये 99 का स्क्वायर है, तो मतलब ये दो डिजिट है, तो उसका स्क्वायर में हमारा 4 डिजिट आने वाला है। ठीक है, तो अब ये आप करके दिखाइएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख के दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे दोस्तों हम लोग ये वाला क्वेश्चन करके देखते हैं। तो दोस्तों ये वाला फिर हमारा मिक्स फ्रैक्शन में आ गया, मिक्स फ्रैक्शन में आ गया, लेकिन बट दोस्तों अभी तक मेरा क्या था, स्क्वायर के फॉर्म में आ जा रहा था, स्क्वायर के फॉर्म में आ जा रहा था, मतलब यहाँ 3 डिजिट था तो यहाँ पे भी 3 डिजिट था, और यहाँ 2 डिजिट था तो यहाँ पर भी 2 डिजिट था, ये नहीं आ पा रहा है। तो दोस्तों जब भी ऐसा नहीं हो पाता तो एक मैं रूल बताता हूँ कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। कभी भी 9 से मल्टीप्लाई करना हो, चाहे 99 से मल्टीप्लाई करना हो, चाहे 999 से मल्टीप्लाई करना हो, तो इसमें क्या करते हैं, जैसे ये तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है ना, तो इसका भी मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, पहले ये देखते हैं कि 999 किसके रिस्पेक्ट में हमको दिखना है, 3 डिजिट है तो मतलब हम 1000 के रिस्पेक्ट में देखेंगे, तो ये 1000 से कितना कम है दोस्तों, 1 कम है, तो 1 कम है, तो वही 1 इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे, 99 में से 1 माइनस हम लोग कर देंगे। ठीक है, ठीक, तो ये हमारा ये 98 आएगा दोस्तों। ठीक, ये आपका 98 आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे जो ये हमारा 98 आ रहा है दोस्तों, यहाँ से जो हमारा 98 आ रहा है दोस्तों, वो इसमें से माइनस करेंगे, क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे, ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये एंड है। ठीक है, ठीक, तो ये हमारा क्या हुआ दोस्तों, 98 आया। ठीक, और ये कितना मेरा आया, 991 आया, सॉरी दोस्तों 901 आएगा, माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा, ये हमारा 98 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 99 में से 98 माइनस करेंगे तो एक ही बचेगा ना, मतलब 901 आएगा। ठीक है, 98 901 आएगा, मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो। मतलब दोस्तों आपको क्या करना है, पहले ये देखेंगे कि किसके रिस्पेक्ट में है, मतलब 999 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो किसके रिस्पेक्ट में है, 1000 के रिस्पेक्ट में है, तो ये 1000 से कितना कम है, एक कम है, तो उसी एक को इस 99 से माइनस कर देंगे, तो ये यहाँ 98 बचा, उसी 98 को इस वाले 999 से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो अब देखिए ये मैं एंड लिखा, मतलब ये दोनों को कॉम्बिनेशन करके लिखना था मुझे। ठीक है, तो ये पहला 98 आया, दूसरा क्या मेरा आया, 901 आया। ठीक है, तो ये दोनों को मैंने कॉम्बाइन करके लिख दिया, प्लस ये 98 मेरा ये जो यहाँ बच गया है, प्लस 98, तो दोस्तों यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 98 है, तो मतलब 99 हमारे लास्ट वाले आंसर में आ गया, शुरुआत में हमारा क्या आ गया, 989, 989 और 99, देखिए ये वाला हमारा आंसर सही हो गया, 989 और 99। देखिए दोस्तों कितना आसान ट्रिक था, इससे आसान ट्रिक हमको नहीं लगता है कि आपको कोई मिलेगा, तो हमारा पहला आंसर क्या है, सही हो गया। ठीक है दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा पेपर में आएगा कि नहीं आएगा, दोस्तों ये एक लेवल मैं थोड़ा अप करके पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आपके लेवल का भी मैं इसके बाद वाले वीडियोस में पढ़ा दूंगा, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 1/7 प्लस, फिर यहाँ देखिए यहाँ 99 है, या क्या है मेरा 999 है। ठीक है, तो फिर मल्टीप्लाई का मैंने तरीका आपको बता दिया, तो ये इन दोनों के बीच में ये प्लस है क्योंकि ये मिक्स फ्रैक्शन है। अच्छा ये दोस्तों बताइए, ये मान लीजिए अगर 100 रहता है, ठीक है 100 रहता है, तो मैं 7 बार इसका टेबल पढ़ता तो 700 आता, हाँ 7 बार इसका टेबल पढ़ता है तो 700 आता ना दोस्तों, बिल्कुल आता। अब देखिए ये 100 से एक कम था, मतलब 7 बार टेबल पढ़ने में 7 बार कम हो गया, एक एक मतलब पहली बार में एक कम हुआ, फिर दूसरी बार में एक और कम हुआ, मतलब 2 बार करने पर 2 कम हुआ, तो 7 बार करने पर 7 कम होगा। मैं आपको टेबल पढ़ने का तरीका सिखा रहा हूँ, ठीक है, इस तरह आप 99 का मल्टीप्लाई 7 बार करेंगे तो आपको टाइम लगेगा, तो मैंने 100 का हम लोग टेबल आराम से पढ़ लेंगे, तो 100 का 7 बार पढ़ेंगे तो 700 आ गया, तो ये एक बार में एक कम हो रहा है तो 7 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 कम होगा ना, तो इसी को माइनस कर लिया, तो ये कितना है, 693 है, तो यही तो नीचे है मेरा 693, मतलब कि ये 99 से कितनी बार में कैंसिल आउट होगा, 7 बार में कैंसिल आउट होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए तो ये हमारे 1/7 प्लस, अब इसका क्या हो जाएगा, मैंने पहले ही बताया कि ये 1000 से कितना कम है, एक कम है, तो यही 99 में से एक माइनस हो जाएगा, यही ना है हमारा, यहाँ देखिए अब 999 का मल्टीप्लाई हमारा किससे है, 99 से है, तो मैंने अभी बोला है कि जब 99 से मल्टीप्लाई होता है तो पहले देखते हैं कि 1000 से कितना कम है,
थाउजेंड से हमारा ये वन कम है, तो ये 99 में से हमारा क्या करते हैं, वन माइनस कर देते हैं, फिर एंड लिख देते हैं, मतलब कॉम्बिनेशन करना है, फिर यही जो 98 आया तो इसको इसमें से माइनस कर देते हैं, 999 में से, 999 में से क्या करते हैं हम लोग 98 को माइनस कर देते हैं, तो हमारा यहाँ कितना आया 98, और ये क्या हमारा हो गया 901, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ गया आंसर 98, 901, और ये हमारा दोस्तों क्या आया था, प्लस 1/7 आया था, 692 और 7 आया था, यहाँ 7 आया था ना, तो 692/7 आया था, ठीक है, ये 7 लिखा है, ठीक है। तो दोस्तों मेरा जब इतना हो गया तो मेरा जिसका डिनोमिनेटर सेम है उनको एक बार में जोड़ देते हैं, तो डिनोमिनेटर जब सेम होता है दोस्तों तो ऊपर वाला ऐड हो जाता है, ये 1 है, ये 692 है, तो मेरा ये हो जाएगा 98901 प्लस 693, ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया। ठीक, जब आपको समझ में आ गया तो ये 901 और 693 को जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा दोस्तों, आप बताइए कितना आएगा। और दोस्तों मैं कुछ भूल रहा हूँ, ये नीचे डिनोमिनेटर में मेरा 7 तो आएगा ही दोस्तों, ये नीचे में ये मेरा 7 डिनोमिनेटर तो गायब नहीं होगा, मैं भूल रहा था, ठीक है, चलिए मैंने ये लिखना भूल गया था, ठीक, तो ये मैं इसको काटूंगा। तो दोस्तों बताइए, अभी मैंने 99 का टेबल पढ़ा तो 7 बार में 693 आया, तो अब 7 का टेबल मैं पढ़ूंगा 99 बार तो यही ना आएगा, मतलब ये 99 बार में कट जाएगा, ठीक है, तब इसमें जोड़ दीजिए 98901 प्लस 99, तो हमारा कितना हो गया, ये 1 और ये 99 हो गया, तो ये 100 हो गया, 100 हो गया, तो जब 100 हो गया तब हमारा क्या हो जाएगा 900, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, मतलब 9,900 वाला मेरा ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। फिर से आपको बता देता हूँ, पहले क्या करना था, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया जिसका रूल मैंने बता दिया आपको, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो ये 7 बार में कट गया, तो 692/7 आया, तो ये जिसका डिनोमिनेटर सेम था मैं उसके साथ उसको ऐड कर दिया, तो ये मेरा 693/7 आया, तो फिर 7 से काटा तो 99 बार में कट गया, तो फिर इन दोनों को ऐड कर दिया, तो मेरा बी वाला ऑप्शन सही हो गया। दोस्तों ऐसे ही मैं बेहतरीन ट्रिक आपके लिए बनाता रहूंगा यूपी टेट सी टेट के लिए, तो मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि शेयरिंग इज़ टोटली फ्री, और इससे किसी का भला होता है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।